फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला बाटी, तो चलो बनाते हैं। मसाला बाटी बनाने के लिए मैंने 1 किलो लिया है गेहूं का आटा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उसके अनुसार। और बाटी बनाने के लिए आटा हमें कैसा लेना है, यदि आटा बहुत बारीक है तो उसमें थोड़ी सी क्या करें, सूजी डाल दें। जो मेरा आटा है वो हल्का सा बारीक है, तो इसमें मैं 2 चम्मच सूजी मिला दूंगी ताकि थोड़ा सा ये दरदरा हो जाएगा। यदि आपका आटा मोटा है तो उसमें आप नहीं मिलाएं। केवल 2 चम्मच मैंने ये सूजी डाल रही हूँ, इससे आटा क्या होगा, थोड़ा सा दरदरा होगा और हमारी बाटी बहुत टेस्टी बनेगी। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और टेस्ट के अनुसार डाल देंगे नमक। थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये आपको यदि पसंद है तो डालें, नहीं से हल्दी से कलर है वो बाटी का बहुत अच्छा आएगा। तो 1 चुटकी डालेंगे, ज्यादा नहीं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें मीठा सोडा। और सबसे जरूरी चीज है वो है घी, इसको मोवन के लिए घी डालेंगे इसमें। मैं 1 बार 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि मोवन लगा कि नहीं, तो हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो 2 चम्मच या 3 चम्मच घी और डाल देंगे, जितनी जरूरत होगी। 2 चम्मच घी में और डाल रही हूं, क्योंकि जितना अच्छा इसमें हम घी डालेंगे उतनी टेस्टी बाटी बनेगी। घी को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब ऐसे हम मुट्ठी बांध के देखेंगे कि हमारे मोवन सही है या नहीं। तो इस तरह ये देखो मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब है कि मोवन अच्छी तरह लग चुका है। और अब हम आटा गूंध लेंगे, पानी नॉर्मल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आटे को ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंध लेंगे। मसाला बाटी के लिए हमने आटे को तैयार कर लिया है और अब इसको आधा घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए, जितना आपके पास समय है, इसके लिए आप इसको ढक के रख दी। इस तरह का एकदम सॉफ्ट आटा लगाया है और इसको अब ढक के रख देंगे हम। इससे जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए बाटी के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा जीरा। जीरा है, तड़कने लगा है, इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हींग, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे पहले और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें अदरक कूटी हुई। यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और थोड़े से मैं ले रही हूँ ताजा मटर, यदि आप फ्रोजन मटर डालें तो वो बाद में डालें। आलू के साथ 2-3 मिनट इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हमने जो आलू उबाल के रखे थे ये ठंडे हो चुके हैं। इसको छील के ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और ये डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे मसाला, थोड़ा सा डाल देंगे नमक और 1 चम्मच मैंने ली है कूटी हुई सौंफ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे चाट मसाला, ये यदि आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो इसको भी स्किप कर दें। थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे धनिया और मैं इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल रही हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, आलू में अच्छी तरह मसाले को मिला देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मसाले में, अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम मसाले को बाटियों में डालेंगे।
अब इसको ठंडा होने देंगे। आटे को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ऐसे हाथों की सहायता से इसमें थोड़ा सा और गूंद लेंगे। आटा है बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखो ऐसा ही आटा चाहिए हमें बाटी के लिए। और मसाला बाटी के लिए हमने जो मसाला तैयार किया था आलू का, वो ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमने ऐसे नींबू के आकार की लोई बना ली है छोटी छोटी, ये बाटी में डालेंगे। अब हम लेंगे आटा, आटा उतना ही लेंगे रोटी के जितना, इतना आटा ले लिया है। इस तरह की लोई बना लेंगे और अब क्या करेंगे, हाथों की सहायता से जिस तरह कचौरी में हम मसाला डालते हैं उस तरह दोनों अंगूठों की सहायता से इस तरह इस लोई को बना लेंगे ताकि इसमें आराम से मसाला है वो डल सके। कटोरी की तरह बना लेंगे। अब जो हमने ये मसाला की लोई बनाई थी ये इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद इस तरह इसको कर देंगे पैक। ये ऊपर का आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसको दबा सकते हैं। इस तरह की बाटी बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको सेकेंगे, इस तरह एक और बना लेंगे, इसी तरह दूसरी लोई बनाएंगे। तो इसी तरह अंगूठे की सहायता से इस तरह कर लेंगे, इस तरह घुमाएंगे तो एकदम कटोरी की तरह हो जाएगी हमारी। और इसमें भी ये मसाला डाल देंगे, इस तरह डाल के इसको ऐसे भी पैक कर सकते हैं आप। और यदि आपको ज्यादा लगे तो बाहर निकाल देंगे इस तरह, और ऐसे दबा के ऐसे सेट कर देंगे। इस तरह बाटी बना के तैयार कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, गैस पे बाटी कुकर है वो चढ़ा दिया है। आप कढ़ाई में भी प्लेट रखे और उस पे भी बाटी पका सकते हैं। और ये मैंने बाटी कुकर लिया है ओवन, इसमें भी हम बाटी सेक के तैयार कर सकते हैं। तो ये गर्म हो चुका है, 3-4 मिनट पहले मैंने लो फ्लेम पे इसको चला दिया था। और एक एक करके इस तरह डाल देंगे, इस तरह रख देंगे बाटी को। और इसमें अभी जगह है तो हम 2-3 बाटी और रख सकते हैं। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, 2-3 बना के और रख देंगे। इस तरह इस पे ढक्कन लगा देंगे और हर 2-3 मिनट के बाद इसको पलटते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। 2-3 मिनट के बाद इसको बार बार पलटेंगे और इसमें गैस की फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। बाटी है वो नीचे से सिक चुकी है तो हम इसको ऐसे इस तरह पलट दिया है, ये देखो इस तरह बार बार में 2-3 मिनट बाद में पलटते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। सारी बाटियों को हमने अलट पलट कर अच्छी तरह सेक लिया है, ये देखो दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुकी है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसे पकने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे करके पकाते हैं। एक बाटी आपको मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़ी गर्म है। तो ये देखो इस तरह अच्छी तरह ये टूट चुकी है और इस तरह इसमें ये मसाला है वो अच्छी तरह सेट हो चुका है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले घी डालेंगे। इस तरह सारी बाटियों के घी लगा लेंगे। इस तरह हमारी मसाला बाटी बनके तैयार हो गई है। इस तरह मसाला बाटी आप जरूर बना के खाइए, बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।